हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल के पंचकुला स्थित कार्यालय के बाहर मंगलवार को काफी संख्या में पहुंचे छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन धनेश अदलखा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना रोष जताया। छात्रों का कहना था कि उनका फार्मेसी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर ऐसे छात्र हैं जिनका करीब 1 से 2 साल से रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन नहीं करने के पीछे अन्य राज्यों से फार्मेसी का कोर्स करने का हवाला देकर वेरिफिकेशन पेंडिंग होने की बात काउंसिल चेयरमैन लगातार कर रहे हैं। छात्रों ने कहा कि हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल वेरिफिकेशन के नाम पर उनका रजिस्ट्रेशन रोके हुए है। फार्मेसी काउंसिल जल्द से जल्द वेरिफिकेशन करवा कर उनका रजिस्ट्रेशन करें और अगर कहीं भी उनके कॉलेज में गड़बड़ी मिलती है तो उनका आवेदन रद्द करें। छात्रों ने कहा कि अगर राज्य फार्मेसी काउंसिल ने जल्द उनकी मांग को पूरा नहीं किया तो वह आगामी रणनीति बनाकर अगला फैसला लेंगे। वहीं हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन धनेश अदलखा ने बताया कि 2019 से अक्टूबर 2023 तक जिन लोगों ने आवेदन किया उनमें 18,000 का रजिस्ट्रेशन जारी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मैं अपने सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर हर रोज जिन छात्रों का रजिस्ट्रेशन जारी किया जाता है। आप फार्मेसी काउंसिल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, आपकी क्या मांग है और क्यों आपको इस तरीके से रोष व्यक्त करना पड़ रहा है? सर मांग ये है हमारी, हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे आ रहे हैं सर, मेरे 4 साल हो गए सर, मैंने फाइल सबमिट करवा दी है, जून 2019 में फाइल सबमिट करवाई थी सर, मैंने बी फार्मेसी करी है तो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं सर। यहाँ से बहुत सारे राज्यों से आ रहे हैं सर, राजस्थान से आ रहे हैं और बाकी दूसरे हरियाणा से हैं, पंजाब से भी हैं, यूपी से भी हैं सर कुछ। जी जी। तो हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि वेरिफिकेशन करवानी है। तो हम तो खुद बोल रहे हैं सर वेरिफिकेशन करवाएं, जबकि हमारा कॉलेज AICTE है और PCI से अप्रूव है सर, उसके बावजूद भी हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा सर। ये यूँ कह रहे हैं कि जो FCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वहाँ से हमें वेरिफिकेशन करनी पड़े क्योंकि कई फर्जी कॉलेज चल रहे हैं अलग अलग राज्यों में, उन कॉलेजों से बच्चे जो है वो डिग्री लेकर आते हैं और उसके चलते जो है वो फिर ये दिक्कतें आ रही है और 2-2 साल का रजिस्ट्रेशन जो पेंडिंग है वो इसी वजह से पेंडिंग है। सर क्यों नहीं कर रहे, इतना टाइम लगता है क्या वेरिफिकेशन में, जबकि इन्होंने एनएक्सर ए मांगा है, वेरिफिकेशन करने में कितना टाइम लगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 5 महीने साल सर, यहाँ 4 साल हो गए सर। मुझे बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो परेशान हो रहे हैं सर, घर वालों ने कर्जा लेकर पढ़ाया है सर हमें और कुछ नहीं कर पा रहे सर, कोई बिजनेस नहीं कर सकते हम जी, बेरोजगार हैं सर अब हम। आप लोग फार्मेसी काउंसिल के सामने नारेबाजी कर रहे हैं, पंचकुला के सेक्टर 14 में आप फार्मेसी काउंसिल के बाहर खड़े हैं, क्या वजह है आपको इस तरीके से नारेबाजी क्यों करनी पड़ रही है? आपने अपने पोस्टरों में लिखा हुआ है कि हम हरियाणा वासी हैं, पाकिस्तानी नहीं, इस तरीके के नारों के साथ क्यों यहाँ पर आपको इस तरह से विरोध करना पड़ रहा है? हम हरियाणा के स्टूडेंट हैं जी, हरियाणा के वासी हैं, हमें फार्मेसी हमें आउट ऑफ स्टेट से करी है, कोई 2 साल से है, कोई 3 साल से यहाँ पर धक्के खा रहे हैं, ये इसी से नहीं कर रहे हमारी जी, ठीक है जी। और हम आते हैं, हमें मीठी गोली देके ये तोड़ देते हैं जी जी। हमें पहले 2 महीने पहले हमारी सर से साथ मीटिंग हुई थी और हमें इनसे 2-4 सवाल पूछे, हम कह रहे हैं आपके नौकर नहीं है जी जी, ठीक है। और हमें आज बुलाया गया था 11 तारीख को भी, आप 11 तारीख को आएगा हम आपको संतुष्टजनक जवाब देंगे जी। और हमें आज फोन पर बात करी सर ने जी, और सर कह रहे हैं हमें आपको 10 को बुलाया था जी जी, हम उस दिन 80 आदमी 100 आदमी आए थे जी, और ये कह रहे हैं भी आपको 10 को बुलाया था जी। तो आप अब ये मतलब आपका रजिस्ट्रेशन ना करने के पीछे कारण क्या बता रहे, क्योंकि हमने पिछले दिनों यहाँ पर पूछा था कि आपके पास बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, उसका कारण क्या था? उन्होंने कहा कि कुछ जो छात्र हैं वो ऐसे कॉलेजों से करके आए हैं जो फर्जी कॉलेज हैं, जिनके अंदर कोई वर्किंग नहीं है, वहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है, ऐसे नाम के कॉलेज हैं, वहाँ से पढ़ाई करके यहाँ आवेदन कर दिया, ऐसे में हमें जांचना पड़ेगा, हमें जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वहाँ से रिकॉर्ड मंगवाना पड़ेगा उन कॉलेजेस का, तो उसके बाद ही हम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएंगे, लेकिन आपकी क्या शिकायत है? सर पिछले 2 साल से 3 साल से फाइल जमा है, अगर वो गलत है, कॉलेज फ्रॉड है, तो उसको कैंसिल कर दो आप, जिस 2 साल से वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराई, उसको कैंसिल कर दो आप जी, अगर हमारा फ्रॉड कॉलेज है हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, 3-3 साल से फाइल जमा है मेरी, 1 साल से पिछले 1 साल से फाइल जमा है, क्यों रजिस्ट्रेशन दे रहे सर ये जी? हम महीने में 3-3 4-4 चक्कर लगाते हैं, बच्चों को गुमराह कर रखा है बस, यही कहना चाहता हूँ। तो ये जो है वो आप अभी जो है वो आपके साथी कह रहे हैं कि हम 2-2 साल से पेंडिंग है, हमारा रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, और
अब आप यहाँ फार्मेसी काउंसिल के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं, अगर यही रुख रहता है फार्मेसी काउंसिल हरियाणा का तो फिर आपकी आगे रणनीति क्या है, आप किस तरीके से एकजुट होंगे, क्या मतलब आपका आगे कार्यक्रम क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा जी। मेरी फाइल 13 फरवरी 2022 को जमा की गई थी जी। मैंने 2018-19 में मैंने फार्मेसी की थी, पंजाब से करके आए थे, PCI से अप्रूव्ड है, कॉलेज अप्रूव्ड है। उसके बाद हमें सरकारी अस्पतालों में 3-3 महीने की ट्रेनिंग दी गई है जी। सरकारी SMO जो है मोहर लगा के देता है कि जी आपने 3 महीने यहाँ पर हमारा सहयोग किया, हमारे अस्पतालों में आपने ट्रेनिंग की है और आपने यहाँ पर सेवाएं दी है। अगर हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना ही नहीं है तो फिर क्यों हमें 3-3 महीने वहाँ पे अस्पतालों में फिजूल का सेवा लिया जी। क्यों हमारे से 3-3 महीने काम करवाया गया जी। हमने हर चीज का, हर काम का सहयोग किया है, सरकार का, प्रशासन का, स्वास्थ्य विभाग का जी। दो तो साल अब मतलब आपको ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।